वायरल हैशटैग ट्रेंडिंग नाउ द टाइम ऑफ गैरेक्स ओटिक गेमिंग। तो ऐसा मैं हूँ गैरेक्स और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपनी डीमन से सैम्पी में। एंड गाइस जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम अपने साथ में क्या हुआ था कि यार हम लोग अपन ने यार रेस्क्यू तो कर दिया था नेक्स्ट रोक को। वैसे हाँ आज ना हमारे तीन तीनों के तीनों मेंबर ने यार आए क्योंकि उन लोगों को टाइम नहीं मिला है, तो इसीलिए अभी हम तीन ही लोग हैं। अभी वो लोग तो आ नहीं पाए तो हम लोगों ने बात करी, उन लोगों को टाइम नहीं मिल रहा तो इसलिए आज हम तीन ही यहाँ पे लग सकते पापा में। यार नेक्स्ट रो भाई को सेव तो हम लोगों ने कर लिया। तो अभी देखो दिक्कत वाली बात ये है ना कि अंदर हम लोगों को जो एक बंदा मिला था वस्तु, अभी आज हम लोग अंदर ना उस कास्टल से हम लोग इसीलिए ज़्यादा दूर नहीं गए थे। आज हम लोग उस कास्टल में वापस जाने वाले हैं। एंड कास्टल में जाने के बाद आज हम लोग उस वास्तु से बात करने वाले, भाई कौन है तू और क्या कर रहा है यहाँ पे, तू बंदे और सब क्या है मतलब सब कुछ। तो अभी हम तीनों यहाँ पे मिल चुके हैं, अभी फटाफट से चलते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा कास्टल से दूर नहीं गए थे। फटाफट आ जाओ। और आई थिंक अभी क्योंकि ना मैं देख रहा था मेरे को वो एंटिटी इधर उचकता हुआ नज़र तो आया था, लगता है वो कास्टल से बाहर निकल चुका है। तो हम लोगों को अच्छा टाइम मिल चुका है उससे बात करने का। पर लक्स जल्दी आ जाओ यार, भाई लक्स का अलग ही लेक करते रहता है। लक्स जल्दी कर लो। ए यार इस लक्स का अलग ही लेग हो रहा है पापा, आप तो चलो लक्स का अलग ही लेग हो रहा है, जाने दो। अभी यस ये वो कास्टल है और डोगो घूमने पता नहीं, अभी जल्दी आ जाओ। कैसे अभी लक्स का अभी लेग हो रहा है, इस वजह से लक्स चले गया। बस पापा और मैं बच्चे, पता नहीं क्या होने वाला है इसके एपिसोड में, तो फटाफट से चलते हैं अभी इसके अंदर, आराम से आना पड़ेगा क्योंकि कन्फर्म नहीं हो कि वो यहाँ से भाग चुका है। सामने के स्केलेटन तो खड़ा हुआ है। अरे इधर था वो वास्तु, नहीं इधर। वेट वेट वेट, ये क्या सिस्टम है भाई? आ तो चुके पर ये वस्तु इस बार थोड़ा सा चेंज चेंज सा हो गया, इसकी स्किन भी अलग अलग बदली बदली लग रही है। पर ये लेट आवा, हेलो वस्तु, हेलो 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 भाई वस्तु, अगर तुम सुन रहे हो तो भाई चैट में कुछ लिख के बता। हाँ ये बता, खड़ा हो गया, चैट में कुछ लिख के बताओ अगर तुम सुन। भाई ये बंदा बचाओ बचाओ। ओके गाइस वेट, अभी इससे बात करते हैं, लक्ष्य भी आ चुका है, इससे बात करते हैं गाइस, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बचाओ, रुको मैं इससे पूछता हूँ किससे बचाना है भाई, बचाना किससे? ओ आना वाला ए अभी, ओ आना वाला अभी, लगता है ये उस एंटिटी की बात कर रहा। सबसे पहले तो ना इस बंदे को यहाँ से लेकर निकलते। चलो 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 बस भाई यहाँ से निकलो, चलो 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 फटाफट चलो पापा, इसको लेके चलो, देखने भाग नहीं चाहे, मैं इसके आगे चल रहा हूँ आप इसके पीछे, चलो पकड़ के चलो एकदम शांति से, एकदम शांत। अरे पापा एकदम शांति से आना वस्तु, हाँ एकदम आराम से चल 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 गाइस। अभी इसको ना इससे कास्टल से दूर लेके चलते हैं। एंड फिर से बात कर, उसको तोड़ तो दिया हम लोगों ने, जेल को तो तोड़ दिया भाई। बस यार वो एंटिटी हम पे नहीं भड़क जाए कि हमारे बंदे को भगा के देगा, जल्दी आ जाओ बस थोड़ा सा लेके चलते, फटाफट फटाफट आ जाओ, एकदम नज़र रख के लेके चलेंगे भाई। इसकी स्किन भी भाई थोड़ी थोड़ी सी चेंज चेंज सी आ रही है, पता नहीं क्या ऑफिसर ऑफिस इधर लक्ष्य खड़ा था उधर ही लेके जा रहा हूँ मैं। ओके लक्स आ जाओ, लक्स आ जाओ, लक्स आ जाओ, ये किधर घूम रहे हो यार लक्स, ये किधर घूम रहे हो? चल 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 वास्तु एकदम शांति से चल, चिंता चोट मत करना एकदम शांति से। ये कौन कैदी है? ये वस्तु है, ये वही है। जाओ 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 तो एकदम ना, बस यहीं पे यहीं पे यहीं पे तो ना मैं कैद वेद बना के रखते रहूँ। हिलना मत यहाँ से वस्तु, बिल्कुल मत हिलना, बता रहा हूँ खत्म कर दूंगा। उसने तो पकड़ के रखा था बाप आटो, तो हटना जा रहा वो एंटिटी ने तो बस तेको पकड़ के रखा था, तेको खत्म कर दूंगा मैं। थोड़ा साइड हट, साइड हट थोड़ा सा तू, अंग्रेज अंग्रेज। अभी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अब सबसे पहले तो ये बताए कि तू है कौन, ऐसे तो हम लोग ना इससे बात करते और देखते आप ही आया कैसे, बात करने की कोशिश करते, पता नहीं हमारी बात, पापा बाहर हट जाओ आप, पता नहीं हमारी आवाज़ सुन पा रहा है कि नहीं। पापा आप क्यों बंद हो रहे हो उसकी जगह पे, आप बाहर आ जाओ। हाँ एक एक ब्लॉक और बंद कर दो, अब भागने को। सर इससे बात करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो हम लोगों ने इस वस्तु से बात कर ली, इसको हम लोगों ने फिर से यहाँ पे बंद कर दिया है। ये हम लोगों ने अभी इस वस्तु से बात करी तो इसने बताया है कि हमने सबसे पहले तो इससे पूछा है तू है कौन, तू आया कहाँ से। तो इसने हम लोगों को बताया कि यार ये है ना एक जगह पे रहता था, एक डायमेंशन में रहता था,
सब लोग इसके मतलब सब लोग खुशहाली से रहते थे। अब वो जो एंटिटी उसने लोगों की पूरी डायमेंशन उड़ा दी, जैसे हमारी डायमेंशन में एंटर कराया ना उस मुजान मुजान किंग ने, जैसे हमारी मतलब उस एंटिटी ने जैसे हमारे वर्ल्ड में एंटर किया है, जैसे इनके वर्ल्ड मतलब इनकी डायमेंशन में भी एंटर कर लिया और पूरी इनकी डायमेंशन उड़ा दी। तो अभी ना उसको अभी उसको चाहिए था कोई समझदार बंदा, तो इनके पूरे उस डायमेंशन में सबसे ज़्यादा समझदार और पढ़ाकू बंदा यही था। तो अभी वो है ना इसको उठा के लाया, और अभी उठा के लाया वो तो ठीक है, पर इसको उठा के क्यों लाया हम लोगों ने पूछा, तेरे को क्यों उठा के लाया, ऐसी कौन सी बातें, मैं नहीं मतलब समझदार है वो तो ठीक है उठा के लाया होगा, समझदार व्यक्ति बातें। बट हाँ इसने बताया कि उसको अलग अलग डायमेंशंस के पोर्टल बनवाने की, और मतलब उसको ना बंदों को मार मार के ना उसको पावर मिलते, मतलब जितने बंदे मारेगा उतना ज़्यादा पावरफुल और बड़ा होते जाएगा। तो क्या सर अभी ये सब जो देख रहे हो ना, मतलब उसको ना सर्वेंट की भी जरूरत है, मतलब ये जो कास्टर वास्टर है ना उसने बंदों से बनवाए, इसके विलेज में जो बंदे थे ना उन सारे बंदों से बनवाए ये सब, और इसके इसके विलेज के जो बंदे वहाँ पे आपने देखा जो विलेजर्स खड़े थे ना वो सब भी उसके कैदी मुजान के, वो जा ही नहीं सकते वहाँ से, चाह के भी नहीं रह सकते, वरना मुजान पूरा सब कुछ तबाह कर देगा, उनके बच्चे बच्चे सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसीलिए अभी यार वो लोग भी मजबूर हैं, एंड ये जो है अपना वस्तु जो है ना यार शुरू से मतलब उसके लिए काम करते आ रहा है, उसके लिए अलग अलग डायमेंशंस के पोर्टल खोलता है, एंड वस्तु नहीं वो पोर्टल अपने वर्ल्ड का ही पोर्टल खोला था ताकि वो हमारे वर्ल्ड में एंटर कर सके। तो अभी वस्तु से हमने पूछा यार हम लोग उसको मारेंगे कैसे, तो यार वस्तु ने ना हमको बताया है यार उसको मारने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है जो कि मेरे बनाए हुए एक डायमेंशन में मिल सकता है, एंड उस डायमेंशन का दरवाजा कास्टल के वो जो कास्टल है उसके बीच में मिल जाएगा। तो कैसे मुझे ना याद आया कि हाँ यार मुझे लास्ट टाइम एक जगह मिली तो थी पूरा एक टब जैसा बना हुआ था, तो यार वही एक पोर्टल है जो यार आप लोगों ने जिन जिन बंदों ने लास्ट वाला वीडियो पूरा देखा होगा उसमें एकदम बीच में सेंटर में एकदम वो था। तो इसने बोला कि अगर वो एक पूरा पोर्टल है अगर तुम उसके अंदर जंप मार देते हो तो तुम एक अलग जगह पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे तुम लोगों को एक हथियार मिलेगा, एंड वो हथियार की सुरक्षा ना कुछ एंडर ड्रैगन्स कर रहे हैं, एंड वो भी एक अलग डायमेंशन में, कोई एंड वेंड का डायमेंशन नहीं, वो एक अलग डायमेंशन है सर, अभी वो डायमेंशन भी थोड़ी सी अलग होने वाली है, एंड वहाँ पे हम लोग को एंडर ड्रैगन से सामना करना पड़ सकता है। एंड हाँ इसने बताया कि वो एक घर जैसे मतलब किसी चीज़ पे रखा हुआ है, और भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक वेपन है, पर हाँ वो वेपन सिर्फ एक ही बार चलता है, उसको ज़्यादा बार नहीं चला सकते, अगर एक बार चला है तो फिर वो वेपन खत्म हो जाएगा। तो ये उस वेपन की कहानी है। तो इसीलिए अगर हम लोग उस वेपन को लेके आ भी जाते मान लो कैसे भी, तो हम लोग उसको चला नहीं सकते, बस हम लोग को ना इसको एक ही बार चलाना होगा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं और उस वेपन को लेकर आने वाले, बाकी हमने ना अभी वस्तु कहीं पर बंद कर दिया है ताकि यहाँ से भाग नहीं पाए, क्योंकि अगर इसकी बात झूठ निकली तो हम आगे इसको टपका देंगे और यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। भाई तू देख तू चुपचाप तेरा यहीं पर बैठ जा, ठीक है, यहाँ से तेको निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर तू यहाँ से निकला तेको टपका दूंगा मैं। हाँ अच्छी मुझे, हाँ चलो पापा चलो चलो, अभी गई रात हो रही है, एंड वो एंटिटी अभी पता नहीं कहाँ गया, ये पता ये बोल रहा था ना कि वो आने वाला है, तो ये वो है ना वो एंटिटी अभी अलग डायमेंशन में गया हुआ है, वहाँ पे आके वो तबाही वबाही मचा रहा है, जैसे हमारी हम लोगों को मारने आता वो, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल, उसने बोला कि उसकी स्किन पहले अलग थी अभी स्किन उसकी बदल गई है, उसका रूप बदलते रहता है जब जब वो किसी ना किसी बंदे को मारता है। तो लास्ट टाइम जब उसने हम लोगों को हमारे डायमेंशन में आके मारा था, और उसके बाद जब हम लोगों ने उसको यहाँ पे आके देखा तो इसीलिए बदल चुका है उसकी स्किन, इसीलिए चेंज हो चुकी है क्योंकि उसने हमको मारा था, तो उसके पास और भी पावर आ गई, मतलब जैसे जैसे पावर वैसा वैसा उसका रूप। नहीं पापा जल्दी आ जाओ फटाफट से चलते, तो सर वो रास्ता तो मेरे को मालूम है कि वो रास्ता लेफ्ट लेफ्ट हो गया, वो रास्ता मेरे को मालूम है कि वो रास्ता कहाँ से, बस मुझे पता नहीं था कि वो कोई रास्ता है, तो मुझे अभी मालूम पड़ चुका है कि वो कोई रास्ता है। एंड आई थिंक आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर मेरे पास कुछ टॉर्च वॉर्च भी नहीं होगा, तो मैं टॉर्च बना, एक काम करते मैं फटाफट फटाफट फटाफट, चलो बढ़िया, इधर गई वो पड़ी, फटाफट से मैं इसको अपने दूसरे हाथ में रख, हाँ अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पापा आप जल्दी आ जाते हो अभी, यहाँ ऊपर जाना है हम लोगों को, एंड सबसे बड़ी बात ये कि अभी दूसरे डायमेंशन में गया वो, हमारा कुछ कर नहीं सकता अभी, यहाँ से ऊपर जाना है हम लोगों को गाइस, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लास्ट वाले उस वाले एपिसोड में, मैं ऊपर जा रहा था और मुझे वो दिखी कोई कोई पोर्टल टब जैसा पोर्टल रहा था बस पूरा, ये गाइस ऊपर जो देख रहे हो ना ये कोई पोर्टल है, ये तो भाई मुझे खुद को भी नहीं पता था, पर ये तो वस्तु ने कृपा करी और बता दिया सही आराम से, तो गाइस ये वो पोर्टल, मैं अभी यार ये लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा कि कोई पोर्टल है, लास्ट में भी इसको देख के गया था तो मेरे को भी बिल्कुल फील नहीं हुआ कि कोई पोर्टल है, बट हाँ एक पोर्टल है जो ऐसा सिर्फ दिख रहा, भाई ब्लॉक्स ब्लॉक्स दिख रहे इस पे, बट उसने बोला है कि हाँ वो एक पोर्टल है जो कि वस्तु नहीं बनाया, तो अभी ना इसके अंदर हम लोगों को फुली एंटर कर लेना है। तो आप इसके अंदर कूदने के लिए तैयार हो, इसके अंदर बस कूदना है, मैं थ्री तक गिनूंगा फिर कूद, क्या कैसा अभी हम लोग इसके अंदर जंप लगाने आ रहे हैं, पता नहीं अब नेक्स्ट डायमेंशन और कैसे होने वाली है, और लक्स भी हम लोग बता देंगे हम किधर था, तो लक्स भी आ जाएगा। तो गाइस 1 2 3 लेट्स गो, अगे भी इस वाले वर्ल्ड में आ तो चुके भाई, सच में कुछ अलग ही हम लोग मतलब इस बार ना ऊपर से निकले, हर बार तो हम लोग ऊपर से गिरते रहते, पर इस बार हम लोग ऊपर से निकले, गिरे हम लोग सीधा वहाँ पे स्पान हो गए जैसे हम लोग अंदर कूदे। तो अभी मेरे को तो ये लग रहा है कि वो एंटिटी भी जो है ना मुजान वो भी ऐसे ही करके कुछ आता होगा, तो ओके यार ये वर्ल्ड कुछ अलग ही रख पड़ी हुई, ये वर्ल्ड कुछ अलग ही चीज शायद, हाँ यस 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 मेरे को तो यही लग रहा है कि जो सामने जो चीज़ बनी हुई है ना इसी के अंदर, ओ नहीं 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 मर जाऊंगा, ये वर्ड तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है गाइस,
तो कैसे जाएं यहाँ से, कहीं पे वो लगी भी, रुको रुको रुको, सही सही जगह से निकल, डैमेज डैमेज नहीं, डैमेज मैं ब्लॉक से लगा सकता हूँ, इतना गंदा डैमेज जा रहा है कि कैसी टावर कुछ कितना तो तगड़ा लग रहा है यार टावर, आराम से। चलो 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 चलो, बस इसके अंदर ही वो वीपन है, वो वीपन उठाना है और फिर बस अपना काम हो जाएगा, वो वीपन को लेके चलना है, अपने को लक्स भी आ गया, अभी लक्स को फटाफट से लेते हैं, अक्सर ये थोड़ी देर रुक जाते क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है। फिर अभी लक्स पापोर में हम तीनों आ चुके हैं, पर यार इसको इसको ना हम दोनों तो नहीं निकाल पा रहे, लक्स भी जस्ट अभी आया है पापोर में तो इसको निकाल ही नहीं पा रहे, ना इसको तोड़ भी नहीं पा रहे भाई, मैंने इसको तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करी पर इसको तोड़ ही नहीं पा रहे, अभी लक्स अभी आया, अभी देखते यार लक्स अगर इसको तोड़ पाता है तो सही बात होगी, पर यार ऐसा कुछ इसने बताया तो नहीं था कि यार हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ हो रही है, लक्स इसको तोड़ के देखना तुम, अगर तुमसे भाई इसके अंदर जो भी हथियार है ना बहुत ज़्यादा एपिक लग रहा है यार, वो ये मैंने माइनक्राफ्ट में पहली बार देखा लक्स गया तोड़ने के लिए, ओ सही है सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया लक्स, रुको 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 लक्स, पीछे 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 लक्स, कुछ खतरा हो सकता है, लक्स तो अंदर घुस गए, चलो ये भी सही है, नहीं नहीं आपका एक खतरा अंदर अंदर घुस के आ गया आपका एक खतरा, पर इसको निकालने पे तो कुछ नहीं होगा, इसका नाम क्या है, मुझे नहीं हॉट, क्या मैं निकालू क्या, एक काम करते क्योंकि इसको लक्स ने खोला है, लक्स तुम ही निकालो क्योंकि ऐसा नहीं हो जो बंदा खोल सकता है सिर्फ वो ही निकाल सके, लक्स इधर देखना, लक्स तुम इतने सच में यार इसके साथ क्या लक्स खतरनाक दिख रहे हो तुम सच में, वाओ ओ दिस इज द एपिक मोमेंट अलग ही है, गाइस, ये हथियार ही कुछ अलग है भाई, इसका मुंह तो फावड़े के मतलब उसके हो के जैसा है पर ये अलग ही लक्स एक काम करो इससे मुझे ना मार के देखो एक बार, इससे मुझे मार के देखना, ये भाई जरा इसका डैमेज तो देखा जाए भाई, तगड़ा दिख रहा है इतना, मैं सोच रहा हूँ इसके अगर एक ही पड़ेगा ना भाई मुंह टूट के अलग हो जाएगा इससे हमसे, बस जिस तरीके से ये दिख रहा है ना यार, लक्स हेलो, नहीं इससे सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, हाँ हाँ भाई सही सही बोले यार, मैं भूल ही गया था कि इसको सिर्फ एक बार यूज़ करते, बाबा बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ वो सिर्फ मुझाने पे यूज़ होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी यहाँ से निकले क्या,
सबसे पहले तो ना उनको मारते हैं, एंडर ड्रैगन को मारते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट। आ जाओ लग, हाँ चलो चलो पापा आप भी आ जाओ। गाइस सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ मिल गई, चीज़ लग गई हम लोगों के हाथों। वो यार यहाँ पे बारिश बारिश होना चालू हो गई है। मैं छोटे मोटे फंडाइंग अपने हाथ में रख के कैसे जंप मारने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड गाइस जाने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ से। ए हिट, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गाइस यहाँ पे तो पूरा मेला लगा हुआ यार, और भाई ड्रैगन की आवाज़ कितनी तगड़ी आ रही है। बट गाइस जो भी बोलो आज हम लोगों को वो चीज़ मिल चुकी है जिससे हम लोग उस मुजान का मिथा के खात्मा कर देंगे। प्लस तुम वहाँ से सीधा नीचे गिर जाओ, अगर तुम्हारे पास में आर्मर है तो तुम बच जाओगे, सीधा नीचे कूद जाओ। हम दोनों बच गए, हमारे पास में आर्मर है तुम्हारे हो एकदम सीढ़ियों से, हम लोग तो सीधा ऊपर से कूद। गाइस हम लोगों के हाथ में सच में इतना तगड़ी, भाई बारिश। अब आपके पीछे 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 कितने मूव्स आ रहे हैं। ओके वाइस यार ये वाला वर्ल्ड तो कुछ ज़्यादा डार्क है। चलो लक्स लेफ्ट होगा, कोई बात नहीं। अभी अपन लोग भी एक काम करते हैं, अपन लोग ना इसके अंदर खड़े होकर लेफ्ट कर देते हैं, बाद में वहाँ पे जाएंगे। लक्स से बिना तो जा नहीं सकते, हथियार लक्स के ही पास है। चलो बढ़िया, तो पूरा बंद कर दिया। अभी ऊपर आके एंड करते, ऊपर माहौल थोड़ा अच्छा है ना। यस तो ओके, तो गाइस सर जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि गाइस आज के एपिसोड में फाइनली हम लोगों को वो हथियार मिल चुका है जिससे कि हम लोग अब उस मुजान को मार सकते हैं, एंड अब उस मुजान का खात्मा होने वाला है। एंड इसी के साथ में हमारा डीमन का पहला सीजन भी खत्म हो सकता है। हम लोग सोचते हुए कि यार इसको मार के भी सीजन 1 खत्म करें, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसको ज्वाइन करने को पड़ रहे हैं डीमन्स को। सर सोच रहे कि इसको सीजन 1 को खत्म करें, फिर सीजन 2 के अलग अलग बंदों को भी चुनेंगे। तो भाई सब लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन बनाने का स्टार्ट कर लेना। अभी जो बंदे आखिरी तक देख रहे होंगे पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइस आज की वाली इस वीडियो के लिए, तो आज के वाले एपिसोड के लिए तो इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।